गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. टुडे वी आर गोइंग टू डू इन ग्रामर चैप्टर टू नेमिंग वर्ड्स. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन ग्रामर चैप्टर टू नेमिंग वर्ड्स. ओके बच्चे लोग, आज बताओ कि नेमिंग वर्ड्स क्या है. नेमिंग वर्ड्स मीन्स व्हाट द नेम्स, व्हाट वी से नेम्स. नेम ऑफ योर पेरेंट्स, नेम ऑफ योर फादर मदर ब्रदर सिस्टर, उसको हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं. व्हाट आर नेमिंग वर्ड्स? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. नेमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं? नाउन्स को कहते हैं. नेमिंग वर्ड्स आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स. नेमिंग वर्ड्स जो है वो किस किस के लिए होते हैं? नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स. अभी हम देखेंगे पर्सन. एफ ए टी एच ई आर फादर, एम ओ टी एच ई आर मदर, बी आर ओ टी एच ई आर ब्रदर, एस आई एस टी ई आर सिस्टर, यू एन सी एल ई अंकल, ए यू एन टी आंट, टी ई ए सी एच ई आर टीचर, डी ओ सी टी ओ आर डॉक्टर. नाउ डियर चिल्ड्रन, पर्सन, पर्सन मीन्स व्हाट? ह्यूमन बींग्स. पर्सन्स हम किसको कहते हैं? जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन्स है, हम उसे पर्सन्स कहते हैं. फादर मदर ब्रदर सिस्टर अंकल आंट टीचर डॉक्टर, वो सब क्या है? पर्सन्स हैं. प्लेसेस, प्लेसेस सिटी, विलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, गार्डन, जू, मार्केट. प्लेसेस हम किसको कहते हैं? सिटी, विलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, गार्डन, जू, मार्केट. सिटी, सिटी आर मैनी मैनी सिटी, बट वील से सिटी, देन वील गिव द नेम टू डेट सिटी, बट इट इज कॉल्ड सिटी, विलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, गार्डन, जू, मार्केट. एनिमल्स, लायन, टाइगर, जेब्रा, काउ, डॉग, गोट, जिराफ, डियर. नाउ ऑल दिस एनिमल्स ऑल्सो हैव द नेम्स. ऑल दिस एनिमल्स ऑल्सो आर कॉल्ड नेमिंग नाउन्स. ओके, दे आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन्स. बर्ड्स, पैरट, पीकॉक, आउल, डव, क्रो, स्पैरो, डक, क्रेन. नाउ दीज आर बर्ड्स. बर्ड्स आर व्हाट? विच वी सी देम फ्लाइंग इन द स्काई. एंड एनिमल्स आर व्हाट? विच वॉक ऑन इन द फॉरेस्ट. एंड इन एनिमल्स देर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. एनिमल्स कितने टाइप के हैं? दो है. जो जंगल में रहते हैं उसको हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं, और जो हम पालते हैं या फिर जो पालतू प्राणी है उसे हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं. ये एनिमल्स बर्ड्स जैसे नहीं होते, दे कैन नॉट फ्लाई, दे हैव लेग्स एंड दे वॉक इन द जंगल. एंड बर्ड्स आर दोज विच हैव विंग्स एंड फेदर्स टू फ्लाई. थिंग्स, कार, टेबल, चेयर, चॉक, बुक, बस, फैन. नाउ थिंग्स आर व्हाट? थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. थिंग्स किसे कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स को कहते हैं. जैसे कार, अगर कार गिरी, टूटी, उसको चोट लगी तो रोएगी नहीं, वो खाना मांगेंगे नहीं. सो थिंग्स आर व्हाट? नॉन लिविंग थिंग्स को हम थिंग्स कहते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं. कार है, टेबल है, चेयर, चॉक, बुक, बस, फैन, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है. इसे हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. नाउ वी आर गोइंग टू डू द नेमिंग वर्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स. नेमिंग वर्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स, एग्जैक्ट नेम, कॉमन नेम. एग्जैक्ट नेम, कॉमन नेम. एग्जैक्ट नेम स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स. एग्जैक्ट नेम स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स. एग्जाम्पल, माया, रिया, सागर. माया एम इज कैपिटल, रिया आर इज कैपिटल, सागर एस इज कैपिटल. नेमिंग वर्ड्स कितने स्टाइल टाइप के हैं? दो टाइप के हैं. दे आर व्हाट? एग्जैक्ट एंड कॉमन. एग्जैक्ट नेम जो है वो किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर्स से, जैसे माया, रिया, सागर. कॉमन नेम्स डू नॉट स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स. कॉमन नेम जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होते हैं. कॉमन नाउन रिफर्स टू पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स इन जनरल.
कॉमन नाउन किसको रिफर करते हैं? पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स इन जनरल. फॉर एग्जाम्पल सिटी, सिटी इज ए जनरल, इट इज ए कॉमन नाउन. रिवर, रिवर इज ऑल्सो ए कॉमन नाउन. स्कूल, स्कूल इज अ कॉमन नाउन. हॉस्पिटल, हॉस्पिटल इज ऑल्सो कॉमन नाउन. नाउ ओवर हियर व्हाई इट इज कॉमन नाउन? नाउ सिटी, सिटी वी कॉल ईच एंड एवरी वेयर एवर इट इज वी आर लिविंग, इट इज कॉल्ड सिटी. बट इफ वी गिव द नेम देन इट इज अ स्पेसिफिक एग्जैक्ट नेम गिवन टू दैट सिटी. रिवर, देर आर सो मेनी रिवर, गंगा रिवर, गोदावरी रिवर, राइट? इफ वी गिव दैट नेम टू दैट रिवर इट बिकम्स एग्जैक्ट नेम. देन स्कूल, यू गो टू स्कूल. नाउ इट इज लॉकडाउन, यू हैव ऑनलाइन क्लासेस, बट वैन स्कूल्स आर वर्किंग यू नो विच स्कूल यू स्टडी इन. सो वेन योर फ्रेंड्स और योर अंकल आंटी आज क्यों के स्कूल में भरे छे, विच आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, सो यू गिव द नेम ऑफ द स्कूल. आई स्टडी इन नॉलेज स्कूल, मेरे स्कूल का नाम क्या है? नॉलेज स्कूल. सो दैट यू गिव द नेम, इट इज एग्जैक्ट नेम. नाउ हॉस्पिटल, नाउ इफ यू से, इफ समबडी आस्क यू के योर कजिन ब्रदर और योर ब्रदर और योर फादर इज अ डॉक्टर वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, राइट? बट वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल तो काफ़ी बड़ी है. सो यू, इफ यू गिव द नेम ऑफ दैट हॉस्पिटल एग्जैक्ट नेम, सो इट इज कॉल्ड एग्जैक्ट नेम. अदरवाइज हॉस्पिटल इज अ जनरल, इट इज अ कॉमन नेम ओनली, इट इज अ कॉमन नाउन ओनली. सिटी, रिवर, स्कूल, हॉस्पिटल और दिस आर कॉमन नाउन. नाउ विल डू द एक्सरसाइज ऑफ नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. नेमिंग वर्ड्स आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स. रीड द फॉलोइंग नाउन्स एंड राइट इन करेक्ट कॉलम्स. ऑल दीज आर नाउन्स. नाउ वी हैव टू राइट इन टू कॉलम्स, दिस आर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन. नाउ विल रीड ऑल द नाउन्स फर्स्ट. सिस्टर, ब्रदर, मदर, सागर, माया, रमीलाबेन, फादर, टीचर, रमेश भाई, मिस्टर शाह, सिटी, मंथ, आनंद, फेब्रुवरी, डे, संडे. नाउ वी विल राइट ओवर हियर विच आर कॉमन नाउन, विच आर प्रॉपर नाउन. फर्स्ट वी विल टेक सिस्टर. सो वी हैव रिटन सिस्टर ओवर हियर, SISTER, सिस्टर. सो ओवर हियर सिस्टर, वेन समवन आस्क यू के वेर इज योर सिस्टर, यू से शी इज गॉन डाउन. If they ask what is the name of your sister and where is she, so you will say my sister name is Maya. So it becomes a proper noun. A sister name you have given Maya. Maya's M is capital, so it is a proper noun. Now next word is brother. BROTHER, brother. Now brother name is what? Sagar. What your name is given? Sagar. And S is capital. Mother. Mother name is given Ramila Ben. What name is given? Ramila Ben. Father. Father name is Ramesh Bhai. Teacher. Mr. Shah. City. Anand. Month. February. Day. Sunday. Now for brother also you will say your friend's brother, you will not say your brother's name, right? If he is elder to you. But if somebody uncle or his friend asks you, okay, where is your brother? By the name, so the name which is given to your brother is a proper noun, so you will say brother Sagar. Mother, if somebody asks ke, where is your mother working in which office and what is her name, so you will say my mother name is Ramila Ben, she works in a office or in a school. Father, father is also the same. If you ask your friend's father, if you talk about, you say father only. But if somebody asks what is a father name and what is doing, so you will say your father name is Ramesh Bhai and he is a computer engineer. So right, like that you can give introduction, that is a proper noun. Teacher, now teacher is usually seen in school. All the teachers work in a school. Yes, so if you have work of a specific teacher, you will say the name of that teacher in the staff room. Because teacher is what common for male and female, we call teacher only. In a school, many teachers work. So you have to give the name of the teacher whose work you have. So we gave the name Mr. Shah. City, Anand. Over here, City, Anand is given the name. If you talk about City,
you say I come to this city, but if your friends ask which city but you come, give the name of the city, and the name which you gave is Anand and is a proper noun and starts with capital A. Month is February. Now mostly in month February tests are there or exams comes, right? Or it is a study period. So if some planning is going on of wedding or something, so you say that in February, March, you don't do it. Don't take any plans for wedding or engagement or birthday party. Because usually in February, March, we have exam period. So the name which of the month which you gave is February. So it is a proper noun and F is capital over here. And the last is day. We have written over here Sunday. Now Sunday is a day which is enjoyed by full family and it is at home. We enjoy Sunday at home with full family. And we go outing, we go for lunch, we go for dinner with our family, or we go in a garden to play, right? So the day name which we gave is Sunday. Now we'll read all the common nouns and proper nouns. Sister, Maya. Brother, Sagar. Mother, Ramila Ben. Father, Ramesh Bhai. Teacher, Mr. Shah. City, Anand. Month, February. Day, Sunday. So, dear children, please write this in your notebook with neat and good handwriting. Thank you.